आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में हमने हाल ही में तेजी के बाद गिरावट बनती देखी। कल के मुकाबले आज देख रहे हैं कि वायदा में जो लेवल्स हैं वो थोड़े सुस्त ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ग्वार में अब अच्छी तेजी रहेगी या फिर ऐसी गिरावट के साथ माहौल बना रहेगा, इसको लेकर काफ़ी सारे जो निवेशक हैं वो थोड़े कन्फ्यूज हो चुके हैं। तो आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें और ग्वार सीड के बारे में आगे जानकारी दें निवेशकों को, जिससे कि वो अच्छा लाभ कमा सके। देखिए, ग्वार सीड जो ग्वार कॉम्प्लेक्स है, ग्वार सीड और ग्वार गम, इसके अंदर बहुत हाईएस्ट वॉलेटिलिटी भी देखी जा रही है और कुछ सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि अभी एनसीडीएक्स में लिक्विडिटी ग्वार में बढ़ने की संभावना भी बढ़ रही है। और लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब यह है कि इसके अंदर मार्जिन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए इसके अंदर कुछ, क्योंकि क्या है ग्वार कॉम्प्लेक्स जो है कि जैसे मैं आपको पहले भी आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि ये छोटी कमोडिटी है और बहुत कम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, खासकर पश्चिमी राजस्थान है, कुछ गुजरात है और हरियाणा के कुछ कारोबारी इसके अंदर और किसान बंधु इसमें काम करते हैं, क्योंकि वहीं पे इनका उत्पादन है, वहीं पे इनकी की जो एक्सपोर्ट है वो इन लोगों के हाथ में ही है। और आम जो विदेश पूरे देश के अंदर इसकी ट्रेडिंग और उत्पादन या खपत नहीं होती है, तो जब ये छोटी कमोडिटी होती है, चंद लोगों के हाथ के अंदर इनकी सारी गणित होती है, तो उस समय तेजड़ी और मंदड़ी जो है बुल्स एंड बियर्स अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और किसान जो हैं, जो क्योंकि एक जमाना था आज से 15 साल 20 साल 25 साल 40 साल पहले, उस वक्त किसानों के पास इंफॉर्मेशन का अभाव होता था, इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं होती थी, या फिर इंटरनेट होती थी तो बहुत महंगी होती थी, वो हर व्यक्ति के पास सुलभ नहीं थी जी। लेकिन देश ने तरक्की की, आज हर ढानी ढानी छोटे छोटा कस्बा छोटा छोटा गांव, उस चाहे वो 50 घर का भी गांव होगा तो वहां भी इंटरनेट उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध है, तो आज किसान को हर पल पल की खबर उसके पास होती है और उसका फायदा यह है कि वो अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्शन को, अपनी एग्री क्रॉप्स को वो अपने मार्केट के भाव के हिसाब से बेचता है। और ऐसे ही कुछ हो रहा था कि लगातार किसानों ने 2012-13 की तेजी के ख्वाब देखे, सपने देखे और एक तरफा ग्वार सीड और ग्वार गम चला भी, लेकिन उसके बाद जैसे हमने कहा था कि हर तेजी के बाद एक मंदी के झटके आते हैं और वो मंदी के झटके ऐसे लगे कि जिन्होंने एनसीडीएक्स के ऊपर अपनी क्षमताओं से ज्यादा माल खरीद रखा था बहुत तेजी से, तो उनको बड़ी परेशानी हुई क्योंकि रोल ओवर के अंदर और उसके अंदर वो उनके सौदे धीरे धीरे कटने लग गए, क्योंकि हमेशा परेशानी ये होती है कि एनसीडीएक्स जो है वो हेजिंग टूल है अब किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, ताकि वो अपनी अपनी फसल का अच्छा दाम ले सके। लेकिन जो एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी कभी कभी हो जाती है कि आप मार्जिन थोड़ा देके और वो सौदे खड़े कर लेते हैं 10-10, 20-20, 25-25 गुना और जब वॉलिटिलिटी होती है तो इसके अंदर और वो फंस जाते हैं और फिर उनके सौदे कटने लगते हैं, फिर वो चिल्लाने लगते हैं ये तो सट्टा बाजार है, ऐसा है वैसा है। तो बेसिक चीज ये है कि आप कोई जिस सीट पे काम कर रहे हैं, ग्वार सीट पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको धैर्य रखना पड़ेगा यदि आप तेजी चाहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल आप बेच लिया, परसों आपने बेच लिया। यदि आप जो भी व्यापारी है, कारोबारी है, उसको इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा और जो नीचे के ऊपर शॉर्ट वाली जो चीजें हैं उससे मेरे हिसाब से तो बचना चाहिए, क्योंकि धैर्य से आप अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करें। कभी भी जेब में 1 रुपया और काम 100 रुपए का करेंगे तो निश्चित रूप से आदमी तो कल फिसलेंगे और आप गिर पाएंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ग्वार सीड में मंदी करने से बचना चाहिए, मुझे तेजी की उम्मीद रखती है और इसके अंदर इसके फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, अच्छा माल उपलब्ध नहीं है, पाइपलाइन बिल्कुल ऑलमोस्ट टाइट है और जो भी अराइवल आनी थी कमजोर हाथों की वो तकरीबन बाजार में आ चुकी है और अब जब जो सीड और गम जिसके हाथ में है वो मजबूत हाथ हैं और वो धैर्य वाले हैं और बाकी अफवाहें चलती रहेंगी क्योंकि ये बाजार का रुख है, क्योंकि लड़ाई का मैदान और बाजार
एक समान होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है, अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, आंकड़े भी दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं ताकि लोग अपना माल छोड़े। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एक बाजार का कारोबारियों का एक हिस्सा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कारोबारियों को और किसानों को, आप फंडामेंटल की तरफ देखें, क्षमताओं को पहचानें और उसके हिसाब से ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। जी अखिलेश जी, जी आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।